खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। जर्नी के पूरे मजे। ओ वाटरफॉल वाटरफॉल वाटरफॉल। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। गाइस आज की जर्नी अपनी होने वाली मुंबई से लेके गोवा के बीच चलने वाली मंडोवी एक्सप्रेस में, जिसका टाइम है सुबह का डिपार्चर होने का 7:10 का, वो भी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, अपनी ट्रेन लग चुकी है और लेंगे पूरा सफ़र का मज़ा हमेशा की तरफ। अगर आपको भी मज़े लेने ट्रेन के तो नीलेश के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट स्टार्ट द जर्नी। 7:10 का इसका डिपार्चर है और हम ऑन टाइम पहुँच चुके हैं। हुलिया मेरा मत देखना क्योंकि मैं जस्ट अभी पहुँचा हूँ, 2 मिनट मुझे हुए यहाँ पे आके। तो करते जर्नी की शुरुआत और देखते फिर कैसा होता है ये सफर। चुकी है ट्रेन अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे और यहाँ से हम निकल जाएंगे सीधा गोवा की तरफ। और ये राइड में अपनी लगी है विदर्भा एक्सप्रेस। ये शायद अभी आई है या जाएगी पता नहीं अपने को। विदर्भा एक्सप्रेस लगी है प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे और 16 पे अपनी लगी है मंडोवी एक्सप्रेस, जिससे हम जाएंगे खूबसूरत नज़ारे देखते हुए गोवा की तरफ। रत्नागिरी से होते हुए जाएगी है, तो देखते इस सफ़र में कितना मज़ा आएगा। ये अपनी मडगांव इसका लास्ट स्टेशन है जो गोवा में आता है। और ट्रेन एकदम चकाचक और इसमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि गाइस इसमें पेंट्री कार भी अवेलेबल है। गाइस ने भाग दौड़ कर लेना, ऑलरेडी ट्रेन 10 मिनट लेट हो चुकी है, अभी तक निकली नहीं है। तो मैं आ गया थोड़ा एसी में, करने वाले हम लोग जर्नी जनरल क्लास में, लेकिन मैं एसी में थोड़ा आ गया हवा खाने के लिए क्योंकि ट्रेन चलने का अभी टाइम है। हालांकि इसका टाइम था 7:10 का, लेकिन अभी तक ट्रेन निकली नहीं है, ऑलरेडी 10 मिनट्स ट्रेन लेट है। भोपू तो बच चुका है, हॉर्न बच चुका है, लेकिन चलने का कोई काम है। ओ भाई चल पड़ी। तो गाइस ट्रेन अपनी चल पड़ी मंडोवी एक्सप्रेस जो हमें ले जाएगी गोवा। 7:10 का टाइम था इसका यहाँ से डिपार्चर होने का, लेकिन 10 मिनट ट्रेन ऑलरेडी लेट हो चुकी है। जनरल में अपन ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मैं एसी में चला गया था हवा खाने के लिए। और ये हम निकल चुके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से। पहला हॉल्ट है इसका दादर। अब यहीं से 10 मिनट लेट हो चुकी ना, तो देखते अभी कितना टाइम टू टाइम चलेगी ट्रेन। तो गाइस अगर ट्रेन के बारे में बताओ तो ये मंडोवी एक्सप्रेस है जो चलती हफ्ते के 7 दिन, जो कि 765 किलोमीटर की जर्नी करके हमें पहुंचाएगी गोवा। और मड़गांव इसका लास्ट स्टॉप है, ये लेती है पूरे 14 घंटे वहां पहुंचने के लिए। तो सफ़र कितना रोमांचक होगा और कैसा होगा देखते अपन। रत्नागिरी कंकलवी से होते हुए जाएगी, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे इस रूट में देखने को मिलेंगे, आई होप सो। तो करते जर्नी का, तो लेते जर्नी का पूरा मज़ा हमेशा की तरह। तो गाइस अभी तो जनरल आपको पूरा खाली दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे कितना भर जाएगा ना देखना। ये 2 डब्बे इसमें जनरल के, ये भी देख रहे हो। और फिलहाल अपन जनरल में ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिलहाल तो पूरा खाली पड़ा हुआ है देख रहे ना। आगे जैसे जैसे रुकेगी तो ये पूरा है ना भर जाएगा। चेन्नई एक्सप्रेस ये जा रही है टूवर्ड्स छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और अपना पहला हॉल्ट है दादर। तो
गाइस ये आ गया इसका पहला हॉल्ट दादर। अब देखते हैं दादर से भी कितने लोग चढ़ेंगे। ये भाई दादर स्टेशन, ओ भाई साहब यहाँ से तो तगड़ा क्राउड चढ़ने वाला है मेरे ख्याल से। दादर, दादर के बाद सीधा इसको हॉल्ट ना ठाणे है, ठाणे। तो ये दादर पे देखते हैं अभी कितना क्राउड चढ़ता है। डिब्बे में अपन एक साइड हो जाते हैं, ट्रेन अभी भी 10 मिनट लेट ही चल रही है। दादर भी ये 10 मिनट लेट ही निकली, भी 10 मिनट लेट ही थी और यहाँ पहुँची भी 10 मिनट लेट है। खड़ी है यहाँ पे वंदे भारत। अभी कौन से पता नहीं डिस्प्ले बोर्ड में शो नहीं कर रहा है। नहीं है। पीछे देख रहा ना कितने लोग चढ़ रहे हैं। थाने स्टेशन में इसका हॉल्ट है, सेकंड वाला हॉल्ट है दादर के बाद सीधा थाने रुकी, इसके बाद सीधा रुकेगी पनवेल में। लेकिन ट्रेन अपनी अभी भी चल रही 15 मिनट लेट। और थाने पे कितने सारे पैसेंजर बोर्ड कर रहे आप देख सकते हो। तो थाने पे 4 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन चल पड़ी गाइस सीधा पनवेल की तरफ। अभी इसके अगला स्टॉप है सीधा पनवेल, तो मिलता हूँ मैं आपको पनवेल में। तो गाइस अपन ने लिया था मंडोवी एक्सप्रेस के पेंट्री से लिया था उपमा, देखते खा के कैसा है। समोसा इसमें बोला ना आपको पेंट्री की सुविधा है ना, तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है। काफ़ी अच्छा है यार। ₹50 का लिया था उपमा मैंने, तो वसूल है भाई, ₹50 का उपमा ले सकते हो। अभी खाता हूँ इसको, ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ पनवेल में। तो पहुँच गए गाइस अपनी ट्रेन पनवेल। तो गाइस पूरे 70 किलोमीटर की जर्नी करके अपनी मंडोवी एक्सप्रेस पहुंच चुके पनवेल स्टेशन पे। तो पनवेल स्टेशन पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट, यहाँ पे रुकेगी ट्रेन 5 मिनट के लिए। और ट्रेन को यहाँ पे पहुँचना था 8:25, लेकिन ट्रेन आई है 9:00, पूरे 35 मिनट्स लेट चल रही है अपनी मंडोवी एक्सप्रेस। तो और इसका अगला स्टॉप होगा मानगांव। तो मानगांव ये कितने टाइम पे पहुँचती है देखते अपन। वैसे तो ऑलरेडी 35 मिनट्स लेट हो ही चुकी है, तो यहाँ पे थोड़े बहुत पैसेंजर बोर्ड करेंगे। इसका चौथा हॉल्ट है ये। थाने में भी थोड़े बहुत पैसेंजर चढ़े थे, अभी भी जनरल खाली है। जब जनरल फुल हो जाएगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा।
तो चल पड़े गाइज यहाँ से भी पनवेल स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म से निकल चुकी अपनी मंडोवी एक्सप्रेस। मानगांव स्टेशन पे, बाकी देखते हैं मानगांव स्टेशन पहुँचने कितना टाइम लगता है और फिर ठीक मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। तब तक के लिए देखो खूबसूरत नज़ारे। कितने सारे ट्रक लाद के लगे जा रहे हैं लोग। पोलार्ड नंबर पढ़ना पाहिजे। तो गाइस पूरे 190 किलोमीटर की जर्नी करके अपने ट्रेन पहुंच चुके हैं मानगांव स्टेशन, जबकि इसको यहां पे आना था 10:18 पे, ट्रेन आई है 10:35 पे, तो पूरे 15 मिनट ट्रेन अभी भी लेट ही चल रही है। तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से भी चल पड़ेगी सीधा, इसके बाद रुकेगी खेड़। और बहुत से लोग यहाँ पे उतर गए, जो गांव वाले रहेंगे ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उतर गए मानगांव। गरम गरम समोसे। तो 2 मिनट का हॉल्ट लिए गाइज, अपनी चल पड़ी है ट्रेन मानगांव से भी। ये था मानगांव स्टेशन, काफ़ी सारे गांव वाले लोग यहाँ पे उतर गए और मेरे ख्याल से सीधा इसके आगे आ गया खेड़। तो खेड़ ये टाइम पे पहुँचेंगे, देखते हैं अभी भी ट्रेन अपनी 15 मिनट लेट ही चल रही है, तो खेड़ पहुँचेंगे तो आपको मिलता हूँ। बाकी इस रूट में नज़ारे खूबसूरत है और इस ट्रेन का नाम मंडोवी एक्सप्रेस इसलिए रखा गया क्योंकि ये मंडोवी रिवर से पास होती है। खाली पड़ी हुई है लेकिन अपने को आता है डोर पे मज़ा आता है। डोर पे जो डोर पे मज़ा है ना वो भाई सीट पे बैठने में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डोर पे बैठा हूँ। डोर पे बैठ के लेंगे जर्नी के पूरे मज़े। बाकी देखो खूबसूरत नज़ारे, अब यहाँ से ना बेहद खूबसूरत नज़ारे शुरू हो जाएंगे। हो गया है।
गाइस ये पेंट्री से लिया अपन ने वेज बिरयानी 95 रुपीस। उसके बाद मिला ये रायता, तो टेस्ट करते हैं और कैसा है देखते हैं। बिल भी मंगाया मैंने उससे, फिर भी मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा क्योंकि सुबह में जो उपमा लिया था ना अपन ने ब्रेकफास्ट में वो भी अच्छा ही था। अब बिरयानी देखते खा के अच्छी होगी मेरे ख्याल से। लेट्स चेक इट आउट। देख रहे हो गाइस एक टनल ख़त्म नहीं हुई, यहाँ पे दूसरी टनल आ गई। बोला ना इस रूट में इतनी सारी टनल्स हैं ना, देर इज सो मेनी टनल्स इन दिस रूट, और रूट भी काफ़ी सीनिक है, और मॉनसून में करेंगे तो और कुछ ज़्यादा ही सीनिक हो जाएगा। कोकन रूट इज़ द बेस्ट। और कोई कोई टनल इतनी लंबी है ना, ट्रेन 10-10 मिनट के लिए उसे सुरंग से पास हो रही है, तो सोच सकते हो अब इतनी सारी टनल लोगों ने बनाई ना, इंजीनियर्स को मानना पड़ेगा यार, सल्यूट टू इंजीनियर्स। तो छोटा सा वाटरफॉल। वाटरफॉल बिना बारिश के एक वाटरफॉल देखने मिल गया गाइस। तो गाइस फाइनली ट्रेन आ चुकी है रत्नागिरी, और अब एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। जबकि इसको रत्नागिरी आना था 1:10 पे, लेकिन ट्रेन आ गई है 4:10 पे। सोच सकते हो ना 3 घंटे ट्रेन लेट चल रही है अपने। जी हाँ 3 घंटे, सोच सकते हो उस ट्रेन ने अपने को इतना लेट कर दिया यार। और टोटल जर्नी अपनी हो चुकी है 430 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, और खेड़ के बाद सीधा अपना यही स्टेशन था रत्नागिरी, जहाँ पे हम आ चुके 3 घंटे लेट। अब गोवा पहुँचने पता नहीं कितना ही टाइम लगेगा अपने को, देखते अपन क्या ही कर सकते, ट्रेन के साथ ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है इसका, इसलिए मैं आराम से बैठा हूँ यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उतर गए, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे उतर गए। बट दिस इज़ नॉट फेयर यार, 3 घंटे लेट क्या हो जाता है, आधा घंटा 15 मिनट समझ सकते हैं, लेकिन 3 घंटे इज़ वेरी मोर यार। और रत्नागिरी आप सबको पता होगा कि रत्नागिरी किस चीज़ के लिए फेमस है। रत्नागिरी फेमस है अल्फोंसो मैंगोज भाई, हापुस आम, जो पूरा भारत खाता है हापुस आम, एंड सो मेनी बीचेस हियर टू ट्रैवल। रत्नागिरी काफ़ी अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए, कभी भी आ सकते हो। और कोकण जाना जाता है अपने समुद्री तट के लिए,
अब सारे स्टेशन तो अपन कवर नहीं कर सकते, हो सके उतने स्टेशन में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सारे स्टेशन कवर करूँगा तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो जो जो स्टेशन अपन कवर कर सकते हैं, खेड़ के बाद मैंने सीधा रत्नागिरी कवर किया है, क्योंकि रत्नागिरी यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, इसके बाद ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी। तो हो सके उतने स्टेशन अपन कवर करेंगे, थोड़ी बहुत डिटेल देने की कोशिश करूँगा वीडियो में, जुड़े रहे। देखते गोवा कितने बजे पहुँचते, पंक्चुअलिटी के बारे में ट्रेन को मैं करूँगा ठीका। फाइन मारा क्या? क्या नहीं, क्या दिक्कत? कितना टिकट है? 70 रुपये। कहाँ से? रत्नागिरी से। अच्छा, गोवा। निकला फाइन मारा। गाइस पूरे 650 किलोमीटर की जर्नी करके अपनी ट्रेन पहुंच चुके हैं सावंतवाड़ी, और अभी भी ट्रेन चल रही है अपनी 3 घंटे लेट। सोच सकते हो, राजापुर कनकवली से होते हुए अपनी ट्रेन आ चुकी है सावंतवाड़ी। अब यहां से सीधा रवाना होगी आगे के स्टॉप पे, देखते टाइम पे पहुंच पाती कि नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ट्रेन तो लेट ही चल रही है, लेकिन क्या ही कर सकते हो यार। लेकिन 3 घंटे तो हद हो गई यार, सही में मैं बहुत इरीटेट हो रहा हूँ। अब मड़गांव पहुँचने और कितना टाइम लगेगी ना, पता नहीं, देखते। ये स्टेशन तो लेकिन वीरान सा ही है, पूरा स्टेशन तो लग भी नहीं रहा है, देख रहे हो। अरे थोड़े बहुत लोग हैं यहाँ पे, एकदम वीरान सा है स्टेशन, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग हैं। अलग 1 मिनट का हॉल्ट है इसका यहाँ पे, और यहाँ से निकल जाएगी आगे। चलते अब, जो भी है राम भरोसे। 3 घंटे तो 3 घंटे लेट, क्या करें, ट्रेन पकड़ ली अपन ने, अब जाना तो पड़ेगा ही एंड तक। चलो चलते, लेट्स कंटिन्यू द जर्नी। हो गया इसके 1 मिनट भाई, चल पड़ी। चल, ये था सावंतवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन। आप लोग सच बोल रहा हूँ गाइस, इस ट्रेन ने ना रुला दिया यार, इतना लेट कर दिया ना कि इरिटेट हो गया। अभी पहुंचे करमाली स्टेशन, 725 किलोमीटर की जर्नी करके मुंबई से ये पहुंच चुके करमाली स्टेशन, और अभी पहुंचना है मड़गांव। मड़गांव पहुंचने के बाद हम पहुंच जाएंगे गोवा। लेकिन इतना इरिटेट इस ट्रेन ने किया ना, मैं किसी को ये ट्रेन सजेस्ट ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस तरफ आना ना, कोई दूसरी ट्रेन होगी तो उस ट्रेन से आ जाओ, लेकिन ये इतनी रेंगते आई है ना कि क्या ही कर सकते। अभी 1 मिनट का हॉल्ट है इसका, लेकिन 1 मिनट तो हो गया लेकिन हिलने का नाम नहीं ले रही है। और मड़गांव पहुँचा दे भाई जल्दी जल्दी, मिलता हूँ सीधा मड़गांव में, करते जर्नी को कंटिन्यू।
फाइनली पहुंच गए गाइस मडगांव। तो फाइनली गाइस अपन पहुंच चुके गोवा, मडगांव जंक्शन पे पहुंच चुके अपन और गोवा में आ चुके। अब करेंगे भाई धमाल। तो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं मडगांव स्टेशन, यानी कि गोवा पहुंच चुके अपन। अपनी मंडोवी एक्सप्रेस ने अपने पहुंचा दिया मडगांव स्टेशन पूरे 3 घंटे लेट। तो मैं ये ट्रेन किसी को सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये टाइम पे नहीं चलती। पंक्चुअलिटी के बारे में इसको अपन करेंगे बाय बाय, क्योंकि अगर टाइम पे आती तो मैं इसको समझ सकता था, क्योंकि 3 घंटे क्या ही हो जाता है यार। आधा घंटा अपन समझ सकते थे, 15 मिनट अपन समझ सकते थे, लेकिन पूरे 3 घंटा लेट लेके आई है। और ये मडगांव के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी है अभी ट्रेन। अभी मैं अपने खाने का बंदोबस्त करता हूँ। चेहरे पे पसीना और बिखरे हुए बालों को नज़रअंदाज करके वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। तो मिलते हैं इसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय।